न्यायालय में विचाराधीन दशहरा मैदान स्थित सिद्ध हनुमान की जमीन पर हैंडगेवार स्मारक समिति के सदस्यों द्वारा 10 दिवसीय गणेश प्रतिमा का विराजमान किया गया। मंदिर के पुजारी ने लगाए आरोप, दशहरा मैदान पर प्राचीन प्रसिद्ध हनुमान मंदिर जिसका पूजन अर्चन पुजारी दुर्गा शंकर शर्मा द्वारा किया जाता है, यहाँ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें पूर्व में भी कई पुजारी परिवार और हैंडगेवार स्मारक समिति के सदस्यों का विवाद हो चुका है। हैंडगेवार स्मारक समिति का कहना है कि यह जमीन हमारी है, जिसकी हमारे पास रजिस्ट्री भी है। वही दूसरी ओर मंदिर के पुजारी दुर्गा शंकर शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह जमीन ना हमारी है ना हैंडगेवार स्मारक समिति की है, यह जमीन सरकारी होकर मंदिर की है। इस मंदिर पर मेरे पिताजी और पूर्वजों ने सेवाएं दी हैं और आज मैं कई वर्षों से सेवा दे रहा हूं। यह मंदिर के अलावा कुछ रिक्त जमीन भी है जो मंदिर की है, यहीं पर बने मकान पर मेरा परिवार ही रहता है। हम दोनों पक्षों का मामला न्यायालय में विचाराधीन है और विवादित जमीन पर कोर्ट का स्टे है। इसके बावजूद श्री हैंडगेवार स्मारक समिति के सदस्यों ने कल गेट पर लगा ताला तोड़कर खाली पड़ी जमीन पर जबरदस्ती गणेश प्रतिमा विराजित कर दी है। मामले में पुलिस हमारी नहीं सुन रही है, इसलिए हमने संबंधित सदस्यों के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई है। तेरे मैदान हनुमान जी के मंदिर में वंशानुगत तरीके से पूजा अर्चना करता चला आ रहा हूँ और विगत 45 साल से मैं पूजा कर रहा हूँ। उसके पूर्व मेरे पिताजी, मेरे ताऊ जी और मेरे और पूर्वज भी पूजा करते चले आ रहे हैं और ये विगत कुछ वर्षों से या कुछ महीनों से आरएसएस और हैंडगेवार स्मारक समिति द्वारा यहाँ कब्जा किया जा रहा है और अभी उसके विरुद्ध मैं कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद मुझे स्टे मिला। स्टे के बावजूद भी इन्होंने ये 19 तारीख को ज़बरदस्ती ताला तोड़कर अंदर घुस गए हैं स्टे बताने के बाद भी। और उसके गणेश जी कई पहली बार यहाँ स्थापना की है इन्होंने, पहले कभी यहाँ स्थापना नहीं हुई है और इस प्रकार से ये स्टे की अवमानना कर रहे हैं। क्या कहना उनका, क्या उनकी जमीन है क्या? वो कहते हैं कि हमारे पास रजिस्ट्री है इसकी, लेकिन रजिस्ट्री कैसे हुई क्या हुई है मुझे जानकारी नहीं है। कोई शिवचरण नाम का फर्जी व्यक्ति इनको रजिस्ट्री करके गया। रजिस्ट्री आपने देखी देखी है कोर्ट की रजिस्ट्री? सन 1969 की रजिस्ट्री है और जिसका मैंने चार बार जो है नगर निगम में इनका नामांतरण खारिज भी करवा चुका हूँ। तत्कालीन कमिश्नर आयुक्त जो महोदय थे आरसी कपूर साहब, उनके द्वारा भी जो है गया इनका नामांतरण, तो ये कोर्ट में नहीं गए। इनको अगर होती तो ये कोर्ट में जाते, इसलिए ये अभी पिछले 10 महीने से इनने इस प्रकार से अतिक्रमण करने की कोशिश। जमीन के आपके पास भी कोई कागज है? मेरे वसीयत चली आ रही है और वंश के अनुसार चले आ रहे हैं हम, और ये हनुमान जी की जमीन है, हनुमान जी की पूरी जमीन, हनुमान जी की भूमि है और मैं तो केवल इसका संरक्षक हूँ।